नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं नितिन शर्मा अलवर से। हम कृषि उपज मंडी में इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के व्यापारी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज मंडी में सरसों की कितनी आवक है, कितना भाव है, और हम उनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ में जो व्यापारी हैं, मिट्टू जी, बताइए सर, क्या भाव है मंडी में, कितनी सरसों की आवक है आज? आज आवक लगा लो मंडी में, शनिवार को आम आती हमारे मंडी में 15,000 के आसपास। आज जो आमद, दो दिन की आमद है, संडे की हो गई, दो दिन की आमद हो गई। आज आमद हमारे मंडी में 22,000 कट्टे की, और पूरा देश भर में लगाई जाए, पूरा देश भर में शुक्रवार को आमद थी 9,00,000 कट्टे की, और आज पूरे देश भर में 13,50,000 कट्टे की आमद है। क्या भाव है आज? भाव के हिसाब है, परसों सरसों हमारी बिक्री थी मंडी में 5,200 कंडीशन 6 मोक्ष के, और गीला माल बिक रहे थे मतलब 45,000-45,500। और आज की स्थिति यह है कि आज लगा लो भाव 5,050-5,100 का भाव है 42 लैब के मशीन की चेयर। जो गीला माल है वो नीचे बिक रहे हैं 4,500-4,500-4,500 गील के हिसाब से। कहाँ कहाँ से सरसों आ रही है? सरसों हमारे क्या है कि आस पास की मंडी में माल भी आता है, जितनी आस पास की मंडी है, अपने बड़ौदा है, खेड़ी है, जो भी पाए गोविंदगढ़ है, सब्जी की मंडी को माल आता है, व्यापारी को माल भी आता है, काश्तकार का माल भी, कुछ काश्तकारों का माल जाता है आज मंडी। सरसों में नमी देखी जा रही है, क्या कारण मानते हैं सर? नमी क्या, अभी स्टार्टिंग में नमी तो सरसों में आई है, नमी तो कारण क्या है, थोड़ा बीच में बरसात हो गई थी, उस चक्कर में थोड़ी नमी आ रही है। अब 10-15 दिन बाद तो नमी खत्म हो जाएगी। और रही बात ये गवर्नमेंट की, अब ये कोटा में तो सुनने में आई है, परसों की कोटा में 18 कांट लग जाएंगे, कोटा, बूंदी, 12। और अपने जो राजस्थान में, अपने जिला में भी हमारे सुनने में आई 18 कांट लग जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रेट है 5,650। और इससे यही काश्तकार, आज थोड़ी आमद है, हो सकता है कल आमद कम पड़ जाए, ये बात। तो काश्तकारों को अच्छा भाव मिल रहा है इस टाइम मंडी? काश्तकारों को सही भाव मिल रहा है, और जड़त भी है वो हिसाब से, ये लगा लो जो कई साल जड़त बैठी थी मतलब 1 बीघा में 15-16-17 मन की, वो अब जड़त बैठी है 18-20 मन का बीघा। हमारे साथ में जो व्यापारी है मिट्ठू जी, उन्होंने पूरा मंडी का भाव बताया, कितनी सरसों की आवक है वो हमको बताई। अब जी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ जो किसान हैं वो भी मौजूद हैं, जो बाहर से अपने खेतों से सरसों लेके मंडी में पहुंचे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं, सरसों कितने कट्टे लेकर आए हैं, क्या है, क्या भाव उनको मिला है आज मंडी के अंदर। जी सर, क्या नाम है आपका? हंसराम। कौन से गांव से आए हैं आप? करीरिया। जी कितने कट्टे लेकर आए हैं आप? 15 बोरी। अच्छा, कितने की लागत आई थी आपकी? लागत तो बहुत आ गई। क्या लागत आई? अब उसका तो औसत नहीं लगाया जाता ना। कितने बीघा में सरसों करी थी आपने? सरसों थी 4 बीघा। अच्छा, अभी 2 बीघे के लेके आए, 15 बोरी। हाँ। और 2 बीघे के कैसा भाव मिल रहा है आपको मंडी में? भाव तो आपके बिल्कुल ही कम मिल रहे हैं। अच्छा, क्या कारण मानते हैं कि कम मिलने का कारण क्या मानते हैं? अब ये तो मालूम नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं है, पिछले साल अच्छी गई थी। अच्छा, आपके मंडी है, आपका 4800 गई है, लास्ट है 4800 में। अच्छा, नहीं 4500-4400 का भाव है आज तुम्हें। तो नमी का कारण क्या मानते हैं कि जो नमी भी आ रही है आजकल? अब ये तो सरसों निकलते ही तो नमी तो रहेगी उसमें। अच्छा, ये अभी 10-20 दिन डट के नहीं, उसके बाद में तो नमी खत्म हो जाएगी। और भी कोई जींस लेकर आ रहे हैं क्या आप मंडी में? नहीं, अभी तो सरसों ही आ रही है। अच्छा, हमारे साथ में जो किसान है वो भी मौजूद थे, अभी एक अन्य किसान हो रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो मंडी में कितने कट्टे लेकर आए हैं, क्या उनको आज कितनी बोरी वो लेकर आए हैं, कितने उनको फायदा हुआ है। सर बताइए, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ से आए हैं आप? सारंगपुरा। कितने कट्टे मंडी में लेकर आए हैं आप? लेकर आए हैं 7 बोरे। अच्छा, तो कितने बीघा में आपने सरसों करी थी? यही 1.5 बीघा। क्या लागत बैठी थी आपकी? लागत तो अभी हमें तुम जानो, बीज भी है, DAP भी है, खर्चों तो है, भाव पर कम है अब की बात, क्या है बात। अच्छा, भाव कम है, 7,000 का आसपास बिकती तो सही रहती, अब ये 4,500 में 4,800 में कहीं बचे कुछ भी ना बस। तो क्या लागत नहीं निकल पा रही है, क्या कारण है? लागत तो निकल पा रही है, पर और भी तो काम है, बस लागत ही निकाल पाओ सही है, काम तो और भी रहे, लागत निकाल में काम, हाँ बचत तो ही ना पा रही। हमारे साथ में किसान थे, इन्होंने कहा कि लागत जो है वो जितनी लगाई थी उतनी लागत उनको नहीं मिल पा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मंडी में लगातार सरसों के जो हर व्यापारी के यहाँ फड़ के आगे सरसों के ढेर लगे हुए हैं, बोरियां जो है पैकिंग हो चुकी है, बोरी पैकिंग होने के बाद में जो कांटे हैं उसमें तुलाई हो रही है, तुलाई होने के बाद में ये जो सरसों है ये लगातार जो है ये मिल के अंदर जाएगी, और मिल में अंदर जाने के बाद में तेल तैयार होगा, जो तेल तैयार होगा वो सीधा क्या बोलते हैं जो है बाजारों में जाएगा, और उसके बाद में ये बाजारों में बिकेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कोई मंडी में जो सरसों की आवक है वो लगातार हो रही है, अभी कोई और जिन्स मंडी में नहीं आ पा रही है। नितिन शर्मा, अलवर।